सैयद अली असगर खान साहब जो ये कालीचरण महाराज हैं, स्वयंभू महाराज हैं, कालीचरण महाराज, अब ये इसको जिहाद का भी नाम दे रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड चल गया है, कुछ भी होता है जिहाद का नाम, इसको अब थूक जिहाद का नाम उन्होंने दे दिया है। देखिए, जिहाद शब्द का तो माने भी इनको महाराज को पता नहीं होगा। जिहाद शब्द बेसिकली कहते किसे है, क्योंकि अरबी शब्द है और थूक हिंदी शब्द है। ये आधा तीतर आधा बटेर बनाकर पेश कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम। दूसरी चीज ये कि जिस तरह पूरी कम्युनिटी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे पॉसिबल है, मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि कोई इंसान किसी को कोई चीज चाट कर या उसको थूक कर या उसको उठा करके खिलाए, ये पॉसिबल नहीं है और ना ऐसा होता है, ऐसा कोई नहीं करता। ये एक ब्लेम है और ये लोगों में मैंने उसी बात को कहा था कि जनरलाइज इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियोस इस तरह के वायरल हुए थे, हमने देखा भी था, शायद आपने भी देखे हों, लेकिन वो अलग अलग आदमी है, अलग अलग दिमाग होता है। मैंने यही इसलिए शुरू में कहा कि आप जनरलाइज नहीं करना चाहिए इसको। हाँ, उन वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हो सकी, उस कोरोना काल के जिसके जिक्र कर रहे हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। उसी को आधार मानकर तबलीग जमात पे तथाकथित बैन लगाने की कोशिश की गई थी, उसको खोल दिया गया। तो ये सब चीज़ें एक झूठी अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक नाम लगाने की बात है, ये हमारा कानून में है और ऐसा कोई भी होटल, कोई भी ढाबा, कोई भी ऐसी दुकान है, उसके ऊपर हमारा कानून ये कहता है कि उसका नाम लिखा जाना चाहिए, उस पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं वो लिखी जानी चाहिए, कितने नौकर काम करते हैं वो लिखी जानी चाहिए, कितना स्टॉक इस एक दिन का यहाँ पर होता है वो लिखा जाना चाहिए, कितनी सैलरी आप उसको देते हैं ये लिखा जाना चाहिए। साथ ही एक ड्यूटी ऑफिसर बाकायदा उनको वीकली चेक करता है, वीकली एक छुट्टी का भी प्रावधान है। ये हमारा कानून में पहले से, लोग मानते नहीं वो अलग बात है। और जहाँ तक ये कहना कि किसी दूसरे धर्म का नाम लेकर आप चीज़ें बेचते हैं, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, करीम होटल के नाम से अजमेर के अंदर है और जो कि हिंदू चलाता है। और इससे भी बड़ा, जो बीफ निर्यात के अंदर हम भारत नंबर दो पर है, बीफ निर्यात में सबसे बड़ी कंपनी जो भारत से बीफ निर्यात करती है वो अल कबीर के नाम से है, जबकि वो मुसलमानों की नहीं है, वो हिंदू धर्म से आते हैं और वो भी वो धर्म से आते हैं जो कि हाथ लगाने ही मैं समझता हूँ पाप समझते हूँ, वो धंधा करते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि एक हिंदू ओनर की कई दुकानें होती हैं जिसपे मुसलमान भी काम लेने जाता है, तो वो उनको काम देते हैं। कई आम के ठेले, कई फलों के ठेले ऐसे होते हैं, कई दूसरी चीजें ऐसी होती हैं जिसका ओनर हिंदू होता है और बेचने वाला मुसलमान होता है, वो मजदूरी पे काम कर रहा होता है। अब वो नाम लिख देगा हिंदू का और उसका आधार कार्ड होगा मुस्लिम का, तो ये तो जिनकी शिक्षा नहीं हुई वो उसकी पिटाई कर देंगे। इसीलिए अति मुकेश्वर आनंद जी ने कहा था कि ये जो भी हमारे यात्री निकलते हैं वो खुद स्वयं अपना ध्यान रखे, साथ ही इनका प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहिए। बिना प्रशिक्षण शिविर के लोगों को उतार दिया जाता है, नतीजा ये होता है कि जरा सी भी चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने रास्ते में। हमने तो ये देखा है कि कावड़ियों को या कोई सी भी धार्मिक यात्राएं होती है उसके अंदर दूसरे समाज के, विभिन्न समाज के लोग उनकी सेवा कर रहे होते हैं, और इतना ही अगर वो है तो सरकार को चाहिए कि जगह जगह पंडाल लगाए और जगह जगह खाने की व्यवस्था करें इनके लिए। ये भी एक पुण्य का काम है, बल्कि सरकार नहीं तो समाज खुद कर सकता है इस कार्य को। हिंदुओं को